नमः पार्वती पते। बहुत अच्छे, दूसरी बार तो आपकी आवाज हम तक पहुंच गई, अब तीसरी बार महादेव तक पहुंचानी है और गंगा के उस छोर तक पहुंचानी है जहां वो भक्त भी हमारे इस कार्यक्रम को देख। ये भूल गए हम कहां हैं, ये भूल गए हम कहां हैं, सारा जग शिवमय दिखता, सारा जग शिवमय दिखता। सत्यम शिवम सुंदरम को चरितार्थ करती नगरी में सत्य के वो इंद्रिय के रूप में धारण किए हुए स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी को हम सब सादर उनका स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। निर्मल तट पर माँ गंगा की आरती का आयोजन आप सबके सहयोग से होता है। आप सबके प्रेरणा स्रोत संस्थापक स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी के चित्र पर आप सब कुछ अर्पित कर अपने भाव समर्पित करें। Yeah.
आज हम सब काशीवासियों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा का अवतरण दिवस है। निश्चित तौर से काशी के लिए ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हम सब काशीवासी इसका इंतजार करते हैं कि ये दिन आवे और हम लोग माँ गंगा का चलकर पूजन करें, माँ गंगा का आशीर्वाद लें, माँ गंगा की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही माँ गंगा से प्रार्थना है, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। मैं अंकिता खत्री नादान। आज गंगा दशहरा है, आज के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, स्वर्ग से आई थी माँ ऋषि भागीरथ जी के अथक प्रयासों से। तो आज हम सब यहाँ पर दशा समेत घाट पर, जो कि काशी का विश्व प्रसिद्ध घाट है, गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित महाआरती में सम्मिलित हुए हैं। काशी में गंगा दशहरा पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। विगत 3 दशक से गंगा सेवा निधि द्वारा गंगा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा में महाआरती होती है, उसी क्रम में आज भी महाआरती हुई है, जिसमें 11 ब्राह्मण द्वारा आरती की गई है। उनके साथ साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में 22 कन्याएं भी थी। उसके पूर्व गंगा सेवा निधि में पधारे सारे अतिथि द्वारा माँ गंगा का भगवती का पूजन किया गया है। ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत पुरानी प्रथा है, इसको गंगा सेवा निधि ने 3 दशक से जोड़ा हुआ है। 1991 से गंगा दशहरा गंगा सेवा निधि द्वारा मनाया जा रहा है। मेरा नाम अमरजीत नाग्याल है। तो आज का ये जो गंगा सेवा निधि की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही इन्होंने सुंदर और भव्य रूप से इस कार्यक्रम का, गंगा दशहरा का आयोजन किया है। बहुत ही आनंदमय प्रोग्राम था और इतना इन्होंने जो प्रदर्शन किया है, जो यहाँ पे तैयारियाँ थी, बहुत ही सुंदर रूप से इसका प्रदर्शन हुआ है और हमें बहुत ही खुशी हुई है इस प्रोग्राम में, इस जो ये आयोजित किया गया है गंगा दशहरा का ये प्रोग्राम, उसमें शामिल होकर बहुत बहुत खुशी हमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।